आईआईटी बीएचयू की बिटिया के गुनहगारों को गिरफ्तार करने में करीब करीब 60 दिन लगे, जबकि इन तीनों आरोपियों की पुलिस के पास तस्वीरें भी मौजूद थी। बाइक पर बैठे ये वही तीनों गुनहगार हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद सियासी बवाल मच गया है, क्योंकि पकड़े गए तीनों आरोपियों की पहचान कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान के रूप में हुई है। अखिलेश यादव का कहना है कि पकड़े गए आरोपी बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारी हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरते हुए एक के बाद एक लगातार दो पोस्ट किए हैं। अपने पहले पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा है, यह है भाजपा के दिग्गज नेताओं की छत्र छाया में सरेआम पनपते और घूमते भाजपाइयों की वो नई फसल जिनकी तथाकथित जीरो टॉलरेंस सरकार में दिखावटी तलाश जारी है। आगे लिखते हैं, सूचनार्थ ये भाजपा के सर्वोच्च नेताओं से अभयदान प्राप्त वो भाजपाई हैं जिन पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ अभद्रता की सीमाएं पार करने का आरोप है। प्रश्नार्थ, क्या नारी के सम्मान से खिलवाड़ करने वाले भाजपाइयों को खुली छूट जारी रहेगी। हैशटैग लगाया है जीरो हुआ जीरो टॉलरेंस। इसके कुछ ही देर बाद जब गिरफ्तारी की खबर सामने आई तो अखिलेश यादव ने तीनों आरोपियों की तस्वीर और बीजेपी आईटी सेल में उनके पद वाली पहचान बताकर एक पेपर की कटिंग के साथ फिर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। यह है भाजपा के दिग्गज नेताओं की छत्र छाया में सरेआम पनपते और घूमते भाजपाइयों की वो नई फसल जिनकी तथाकथित तो जीरो टॉलरेंस सरकार में दिखावटी तलाश जारी थी, लेकिन पुख्ता सबूतों और जनता के बीच बढ़ते गुस्से के दबाव में भाजपा सरकार को आखिरकार इन दुष्कर्मियों को गिरफ्तार करना ही पड़ा। ये वही भाजपाई हैं जिन्होंने बीएचयू की एक छात्रा के साथ अभद्रता की सभी सीमाएं तोड़ दी थीं। देश भर की एक एक नारी देख रही है भाजपा नारी सम्मान के साथ कैसा मनमाना खिलवाड़ कर रही है और महिला अत्याचार, उत्पीड़न और बलात्कार के आरोपियों को बचा रही है। आगामी चुनाव में महिलाएं भाजपा को एक भी वोट नहीं देंगी, महिलाएं ही भाजपा की हार का कारण बनेंगी। भाजपा का सच आज जनता के सामने है, जनता आगामी चुनाव में भाजपा को हराकर अपना फैसला भी देगी और महिलाओं के साथ इंसाफ करेगी। मतलब जाहिर है चुनावी मौसम के बीच ये मुद्दा आने वाले दिनों में और गर्मा सकता है, क्योंकि इन आरोपियों की तस्वीरें बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।